नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान के एकीकरण का पाठ पहला, जिसमें हमने मत्स्य शासन के निर्माण के बारे में बात की। उसके बाद में अब हम सेकंड चरण को पढ़ेंगे। इस सेकंड चरण का नाम है पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। सेकंड चरण है, इसका निर्माण हुआ था 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था। इसकी जो रियासत थी उन रियासतों के बारे में बात करेंगे। रियासतों की ट्रिक है बाबू को ये रियासत की रियासतों की ट्रिक है बाबू को साढ़ों की झांकी टॉप और ठिकाना कुशलगढ़। वहां से हो गया बांसवाड़ा, भू से हो गया बूंदी, कुछ से हो गया कोटा, सा से हो गया सापुरा, दू से हो गया डोंगरपुर, की से कुछ नहीं झा से झालावाड़ और की से किशनगढ़, तो से टॉप हो गया ऐसे प्रतापगढ़। ये रियासत की साथ में ठिकाना था कुशलगढ़। बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, सापरा, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, टॉप, प्रतापगढ़ और ठिकाना कुशलगढ़। ये रियासतों का एकीकरण हुआ था 25 मार्च 1948 को और इस चरण का नाम रखा गया था पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान की राजधानी बनाई गई थी कोटा को। कोटा को राजधानी बनाई गई, साथ ही प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा ये सापुरा के थे। राजप्रमुख बने थे कोटा के भीम सिंह और उपराजप्रमुख दो व्यक्तियों को बनाया गया था, बूंदी के बहादुर सिंह को तथा डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को। और इस संघ का उद्घाटन किया था एनवी गॉडगिल ने, यानी नरहरि विष्णु गॉडगिल ने इस संघ का उद्घाटन किया था। राजधानी कोटा को बनाया गया था प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, राजप्रमुख बनाया गया था भीम सिंह कोटा को, उपराजप्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को और उद्घाटन किया था एच वी गोडगिल ने। और जो ये संघ था पूर्व राजस्थान या राजस्थान, इसका क्षेत्रफल था 16,807 वर्ग किलोमीटर है कि जनसंख्या 23,05,000 और वार्षिक आय 2 करोड़ से अधिक थी। इस संघ में बांसवाड़ा के नरेश थे चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा नरेश चंद्रवीर सिंह ने विनय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये हो गया पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। राजधानी कोटा, प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, राजप्रमुख भीम सिंह, उपराजप्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह और डूंगरपुर की लक्ष्मण सिंह। उद्घाटन किया था एनवी गोडगिल ने और इसका क्षेत्रफल था 16,807 किलोमीटर, जनसंख्या 23.5 लाख और वार्षिक आय 2 करोड़ से अधिक थी। ये हो गया दूसरा
चरण यानी पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, इस संघ में मेवाड़ रियासत सम्मिलित नहीं हुई थी और बिना मेवाड़ के पूर्व राजस्थान का निर्माण कर लिया गया था। डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने सुझाव दिया कोटा बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर एक राज्य बनाया जाए। राज्य का सुझाव दिया था डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने, यानी तीन रियासत थी कोटा प्लस बूंदी प्लस झालावाड़, इन तीन रियासतों को मिलाकर एक राज्य बनाने का सुझाव लक्ष्मण सिंह ने दिया था। ये हो गया आपका पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। अब बात करेंगे तीसरे चरण की। तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण का उद्घाटन हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन हुआ था। तीसरे चरण में जो रियासत थी वो राजस्थान प्लस मेवाड़, इसमें रियासत मेवाड़ जुड़ी थी, इसकी अब राजधानी वो पर्यटन हो जाएगी, कोटा के स्थान पर हो जाएगी अब उदयपुर, राजधानी उदयपुर हो जाएगी, राजप्रमुख बनेंगे वो बनेंगे उदयपुर नरेश, महाराणा भोपाल सिंह, उपराजप्रमुख बनेंगे वो बनेंगे कोटा के भीम सिंह, और इसका उद्घाटन करेंगे राजधानी कोटा के स्थान पर हो जाएगी अब उदयपुर, राजप्रमुख बनेंगे वो बनेंगे उदयपुर नरेश, महाराणा भोपाल सिंह, उपराजप्रमुख बनेंगे कोटा के भीम सिंह, और इसका उद्घाटन करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हो गया संयुक्त राजस्थान। मेवाड़ राजस्थान संघ में मिलने से पूर्व मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने कुछ शर्तें रखी थी। वो शर्त ये थी कि उदयपुर को राजधानी बनाया जाए। दूसरी शर्त यह थी कि 20 लाख पेंशन दिया जाए, और तीसरी शर्त यह थी कि राजप्रमुख का पद वंशानुगत किया जाए। ये तीन शर्तें महाराणा भोपाल सिंह ने रखी थी। रियासत सचिवालय ने उनकी तीन मांगों को कुछ इस प्रकार से मांगा था कि उदयपुर को राजधानी बना दिया गया, 20 लाख पेंशन के स्थान पर 10 लाख पेंशन देने का वादा किया, तथा 10 लाख दान पुण्य और सार्वजनिक कार्य के लिए दे दिए। राजप्रमुख का पद आजीवन कर दिया गया, यानी जब तक महाराणा भोपाल सिंह जिंदा है तब तक वो राजप्रमुख रहेंगे। इन तीन मांगों के साथ ही मेवाड़ है वो पूर्व राजस्थान में विलय हो गया और महाराणा भोपाल सिंह संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख बने। राजधानी उदयपुर को बना दिया गया था और उपराजप्रमुख का पद दिया गया था कोटा के भीम सिंह को, और इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस तरह से ये तीसरा चरण कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे चौथा चरण की। इसका नाम हो जाएगा वैध राजस्थान,
और इसका उद्घाटन होगा 30 मार्च 1949 को वैध राजस्थान का उद्घाटन होगा। इसमें जो रियासत शामिल होगी वो चार बड़ी रियासत होंगी, यानी संयुक्त राजस्थान में चार रियासत बड़ी शामिल होंगी। एक तो होगी जयपुर, दूसरी जोधपुर, तीसरी होगी जैसलमेर और चौथी होगी बीकानेर। यानी तीन रियासत तो है जिनका नाम जैसे शुरू होता है, एक है बीकानेर। यानी वैध राजस्थान में चार रियासत शामिल हो गई बड़ी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जो ये रियासत शामिल हुई थी, ये शामिल हुई थी राम मनोहर लोहिया समिति के आधार पर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर चार बड़ी रियासतों को मिलाकर वैध राजस्थान का निर्माण किया गया। वैध राजस्थान के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री तथा महाराज प्रमुख बनाए गए थे उदयपुर के भोपाल सिंह और राज प्रमुख बने थे जयपुर के मान सिंह और उपराज प्रमुख जोधपुर के हरमंत सिंह को बनाया गया था। और जो वैध राजस्थान है इसका उद्घाटन किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को। वैध राजस्थान का उद्घाटन जयपुर दुर्ग में किया था। वार था बुधवार, नया संवत था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। वैध राजस्थान में चार रियासत राम मनोहर लोहिया समिति के आधार पर सम्मिलित हुई थी। इसके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री माने थे, राज प्रमुख महाराज प्रमुख माने थे भोपाल सिंह, एकमात्र महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को मनाया गया था। राज प्रमुख बनाए गए थे जयपुर के मान सिंह और उपराज प्रमुख बनाए गए थे जोधपुर के हरमंत सिंह। और इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे बात करते हैं, इस समय वैध राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई थी। इस तरह से चार रियासत साथ ही ठिकाना भी सम्मिलित हुआ था, उस ठिकाने का नाम था लावा। ये लावा लावा के शासक थे बस प्रदीप सिंह। ये तीसरा ठिकाना था जो जयपुर रियासत के साथ शामिल हुआ था। 30 मार्च 1949 को इलावा भी वैध राजस्थान में सम्मिलित हो गया था। ये तीन ठिकाने थे, एक तो था नीमराणा, नीमराणा शामिल हो गया था पहले चरण में, यानी मत्स्य संघ के निर्माण के समय नीमराणा सम्मिलित हुआ था। कुशलगढ़ शामिल हुआ था बांसवाड़ा यानी पूर्व राजस्थान में, और लावा शामिल हुआ था वैध राजस्थान में। वैध राजस्थान में यानी नीमराणा पहले चरण में 18 मार्च 1948 को शामिल हो गया था, कुशलगढ़ 25 मार्च 1948 को शामिल हो गया था और लावा 30 मार्च 1949 को राजस्थान संघ में विलय हो गए थे। यानी तीन ठिकाने सम्मिलित हो गए। इस तरह से वैध राजस्थान का निर्माण हो गया। 30 मार्च 1949 को वैध राजस्थान का निर्माण हुआ, राजधानी जयपुर को बना दी गई थी और इसके प्रधानमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। वैध राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हो गया 15 मई
और इसका नाम हो गया संयुक्त वह राजस्थान, संयुक्त वह राजस्थान 15 मई 1949। रियासत हो गई वह राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। मत्स्य संघ को बनाने पर 5 चरण में इसका नाम हो गया संयुक्त वह राजस्थान। जो ये मत्स्य संघ था इसका विजय हुआ था 26 जनवरी 1950 को सिरोही का विलय कर लिया गया। इस विलय में आबू वे देरवाड़ा ये सिरोही में स्थित है, इनको छोड़कर बाकी के सिरोही को विलय कर लिया गया। इस तरह से सिरोही का विलय हुआ। 7वें चरण में आबू वे देरवाड़ा का विलय होगा। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप यानी जो वर्तमान में राजस्थान का भूभाग है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये हुआ था 7वें चरण में। 7वां चरण यानी 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हो गया। वर्तमान स्वरूप से पहले कुछ घटनाएं घटित हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग जो इसके अध्यक्ष थे वो थे हजर अली। हजर अली इसके अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने सभी राज्यों को अपनी सीमाओं का सीमांकन करने का आदेश दिया। इसी बीच में जो राजस्थान का देरवाड़ और मेवाड़ छूटे हुए थे उन्हें राजस्थान में मिला लिया गया। यानी 1 नवंबर 1956 को आबू प्लस देरवाड़ा प्लस अजमेर मेवाड़ा और एक एमपी से दिया गया था सुनील थप्पा, इन्हें राजस्थान में मिला दिया गया। इस तरह से 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण हुआ। 7 चरणों में हुआ, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा और 1956 में ही राजप्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल कर दिया गया। यानी राज्यपाल का पद भी 1 नवंबर 1956 को ही सृजित हुआ और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह, जिन्हें मान सवाई मान सिंह ने शपथ दिलाई थी। अब इनका एक बार शॉर्ट रूट देख लेते हैं। यानी पहला संघ बना था मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को राजधानी अलवर राजप्रमुख बने थे उदयभान सिंह और प्रधानमंत्री बने थे बाबू शोभाराम कुमावत। मध्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ, राजधानी अलवर थी, राजप्रमुख उदयभान सिंह थे, प्रधानमंत्री बने थे बाबू शोभाराम कुमावत और उद्घाटन किया था एनवी गोडबोले ने।
दूसरा संघ था पूर्व राजस्थान, का निर्माण हुआ था 25 मार्च 1948 को। पूर्व राजस्थान की राजधानी थी कोटा, राजप्रमुख बने थे भीम सिंह और प्रधानमंत्री बने थे गोकुल लाल असावा और इसका उद्घाटन भी एल बी गोरगिल ने किया। तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान, ये जुड़ा था 18 अप्रैल 1948 को, राजधानी हो गई थी उदयपुर, राजप्रमुख हो गए थे भोपाल सिंह और प्रधानमंत्री बने थे माणिक्य लाल वर्मा और इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा चरण था वेहद राजस्थान, वेहद राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को, वेहद राजस्थान की राजधानी जयपुर और महाराज के पुत्र भोपाल सिंह और राजप्रमुख बने थे मान सिंह और वेहद राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री और इसका उद्घाटन किया था सरदार पटेल। पांचवा चरण है संयुक्त वेहद राजस्थान, संयुक्त वेहद राजस्थान का उद्घाटन 15 मई 1949 को राजधानी जयपुर और हीरालाल शास्त्री, बाकी सेम रहेगा। छठा चरण है सिरोही का विलय हो गया था, सिरोही का विलय ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को और सातवां चरण है वर्तमान सिरोही, ये आया था 1 नवंबर 1956 को, यानी ये इसका शॉर्ट रूप है एकीकरण का। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को राजधानी अलवर, राजप्रमुख देवान सिंह, प्रधानमंत्री बाबू सोभराव कुमावत, यानी उद्घाटन करने वाले चार तीन व्यक्ति हैं, दो पालन शुरू के दो का उद्घाटन यानी मत्स्य संघ और पूर्व राजस्थान का उद्घाटन एम बी गोरगिल ने, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने और वैध राजस्थान का उद्घाटन सरदार पटेल ने किया था। डेट याद रह जाएगी, शुरुआत 18 मार्च के बाद में 25 मार्च फिर 18 अप्रैल, यानी तीन जो चरण थे उनका निर्माण 1948 में हुआ था, दो चरणों का निर्माण 1949 में हुआ था, छठे चरण का 1950 में और सातवें चरण का निर्माण 1956 में हुआ था, यानी ये तीन चरण 1948 में माने थे। संयुक्त वेहद राजस्थान यानी पांचवा चरण 15 मई आरंभ किया, वैसे पांचवा और वैसे 15 मई 1949, 6 से 6 चरण 6 से 26 जनवरी 1950 ऐसे आरंभ किया, पहला नाम का वैसे याद रह जाएगा। राजधानी पूछे तो मध्य संघ की राजधानी अलवर, पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी कोटा, संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर और वेहद राजस्थान की राजधानी जयपुर, उसके बाद में जयपुर रही। तो ये था राजस्थान का एकीकरण और इससे संबंधित छोटे मोटे और क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। यानी सबसे प्राचीन रियासत, यानी पुराने की बात करें तो प्राचीन रियासत हो जाएगी मेवाड़, नवीन की बात करें यानी सबसे नवीन वो हो जाएगी झालावाड़। एकमात्र रियासत है जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, अंग्रेजों द्वारा 1838 में इसका निर्माण हुआ था झालावाड़। इसके बाद में सबसे बड़ी
सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी रियासत हो जाएगी मारवाड़, सबसे छोटी की बात करें छोटी तो हो जाएगी सावरी। सबसे अमीर की बात करें अमीर रियासत तो वो हो जाएगी बीकानेर। बीकानेर ने एकीकरण के समय 4,87,00,000 रुपए संघ में जमा कराई थी बीकानेर रियासत में। जनसंख्या वाले की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जयपुर। एकीकरण के समय जयपुर की जनसंख्या 30,00,000 थी। शादी में मुस्लिम रियासत टॉप थी, मुस्लिम रियासत टॉप थी और जाट रियासत ये थी भरतपुर प्लस धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर ये जाट रियासत थी। इसके अलावा कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। एक राजस्थान यूनियन का गठन किया था, राजस्थान यूनियन का गठन महाराणा भोपाल सिंह ने किया था। महाराणा भोपाल सिंह उदयपुर के थे। इन्होंने मारवा, गुजरात और मेवाड़ इन रियासतों के राजाओं को इकट्ठा करके एक संघ बनाने की मांग की थी महाराणा भोपाल सिंह ने, मालवा के, गुजरात के और मेवाड़ के। इसमें 22 राजाओं ने भाग लिया था लेकिन ये सफल नहीं हो सके थे। इनका निर्माण यानी राजस्थान यूनियन का निर्माण महाराणा भोपाल सिंह ने किया था। ये था राजस्थान का एकीकरण और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन है उनको हम एमसीक्यू में कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।